हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद मी। मेरा नाम है यूसुफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कई पोस्टें रिलीज़ की हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज़ हुई है। अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। सारी चीज़ें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, सारी डिटेल्स बताऊँगा कौन कौन अप्लाई और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करना और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो जॉब फाइंड कर रहे हैं। उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लेना, उससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रिलीज की है। उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, जूनियर केमिस्ट एंड इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की पोस्टें रिलीज़ हुई हैं। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचें कवर हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 21 जून लास्ट डेट बताई गई है। नेम ऑफ कंपनी जो है वो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN। फील्ड जो है वो आपकी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है इंटायर राजस्थान। मेन पावर जनरेटिंग प्लांट्स आर लोकेटेड एट कोटा, सूरतगढ़, छाबरा, जलावर, रामगढ़, ये हो सकती है। और दूसरी जो कंपनी है राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है, इंटायर राजस्थान के लिए है ये। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVN, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVN, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल पोस्ट रिलीज़ हुई है वो है 245 पोस्टें, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सारी डिटेल देख सकते हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में भी पोस्टें रिलीज़ हुई हैं 245, और सब कैटेगरीज़ की आप जैसे देख सकते हैं 67 और 19, 8, ये इसमें अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों के लिए है, फीमेल और अदर कैटेगरीज़ की हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में भी RVUN के लिए 33 और JVVN के लिए 5 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं। जूनियर इंजीनियर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए RVUN के 64 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं, और RVPN के लिए 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है। जूनियर केमिस्ट की आप देख सकते हैं 27 RVUN के लिए टोटल पोस्ट रिलीज़ हुई है। इन पोस्टों की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल में कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट, और AMIE इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और पावर सिस्टम इन हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। ये सारी AICTE के द्वारा कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में कैंडिडेट्स फुल टाइम 4 ईयर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिविल वाले भी फुल टाइम 4 ईयर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इनके लिए रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, और उनके कॉलेज जो है ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग बाय AICTE न्यू दिल्ली। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 4 ईयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट। फायर एंड सेफ्टी के लिए भी होल्ड 4 ईयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट। फायर फाइटिंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। नेम ऑफ जूनियर केमिस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 2 साल की आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या 4 ईयर्स की फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ इन इंडिया और अ डिग्री फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी। इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए या हायर फुल टाइम डिग्री कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इस्टेब्लिश बाय अ लॉ इन इंडिया में होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट पजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर होनी चाहिए।
ये ज़रूरी चीज़ें हैं, और भी बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर अच्छे से डिटेल देख लें। इसमें जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द लास्ट डेट। और जो आपके इलेक्ट्रिकल के लिए है वो 43 ईयर्स है, और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 43 ईयर्स है। इसी तरह सिविल के लिए भी 43 ईयर्स, RVUN के लिए और RVPN और JVVN एंड AVVN के लिए 42 ईयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी जनरल और EWS के लिए जिसकी 2.5 लाख और उससे ज़्यादा ना हो इनकम, उनके लिए जो है वो 1600 इंक्लूडिंग GST। और अनरिजर्व जनरल EWS इफ एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज़ लेस देन 2.5 लाख ST, SC, BC, MBC इन सब के लिए 1400 इंक्लूडिंग GST है। पेमेंट ऑफ फी जो है वो ऑनलाइन रहेगी, डेबिट कार्ड, रुपए, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्टेरियो क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है आपको। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें, डेट ऑफ ओपनिंग वेबसाइट लिंक जो है वो 7th of June से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो 21st of June बताई गई है। तो आप ज़रूर से अप्लाई करें, और आप एलिजिबल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ख़ास तौर से फ्रेशर वालों को भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।